दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्थी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे। वहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में ही बहुत सी कंपनीज बनाई और उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत से पैसे थे लेकिन उसका अपने पैसों के प्रति रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने दोस्तों को बहुत से पैसों की गाड़ियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि कैसे वह बैंकक्रप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्डो जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के बाद उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ चैरिटी में दे दिया। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। The Psychology of Money, Book Summary in Hindi, Chapter 1, No One's Crazy। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं और कुछ लोग प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी की पैसों के बारे में अलग सोच है लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा कि अपने लिमिट्स को समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद भी बहुत अच्छे पैसे बनाए, देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप में ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ एक बुरी बात यह है कि इससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। दूसरा तरीका है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और जीवन भर एक सिक्योर जॉब करते हैं और वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने खुद का बॉस बन जाते हैं लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क लेने वाला रिस्क ना लें बल्कि सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसे लोगों का दिमाग खराब कर सकते हैं। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि में होने के बावजूद भी वे चाहते हैं कि उनके पास इस लैंड भी हो। अपने इस लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, मॉरल प्रिंसिपल के साथ रहूँगा और चैरिटी करूँगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसकी
गुडविल से पैसा और बढ़ता जाता है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफे इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया है। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक कि सफल न हो जाओ। चैप्टर नंबर 7 फ्रीडम। असली पैसा वो है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद इंजॉय करने का उनके पास कोई टाइम नहीं बचता है। ऐसा पैसा किस काम का? अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते हैं और यह नहीं कहते हैं वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे न कि हमारे। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियल चीज़ों के पीछे इतना ना भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं, जिससे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी है 10 लाख की कार ली है तो देखने में वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर देखने की नहीं। चैप्टर 11 रीजनेबल और रेशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वे रेशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चलेगा या नहीं। चैप्टर 12 रूम फॉर एरर। पैसे कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना करें। वॉरेन बफे ने कहा, कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा हुआ था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया, इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 13 यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन सकता है और शरीफ आदमी बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है कि वो पूरे न हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें और यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता है। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है, जैसे कूलर कंपनी के ओनर सिर्फ चाय के फ्रेंचाइजीज लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। चैप्टर 14 नथिंग्स फ्री। पैसों से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता है।
अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और उसे पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हज़ार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 15, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ड हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी दें। दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपने ईगो ना दिखाएं, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 16, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है, हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता, ये हमें ले डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट न हो और बॉलीवुड में चला जाए, तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपने स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी आप सफल हो पाएंगे। चैप्टर 17, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी कि समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर से खरीद सके, बाद में वे सब डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास न करें, खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट से एनालिसिस करें। चैप्टर 18, ऑल टुगेदर। हमेशा हम्बल रहें, ईगो न पालें। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिससे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता है। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी भी हिम्मत न हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें।